उसकी काफी सारी रीजन होती है और मैं इस वजह से मुझे वो मेरी एंगजाइटी को कंट्रोल करती है और उससे मुझे नींद भी आती थी और नींद ऐसी नहीं मुझे इट पुट्स मी टू स्लीप सोने में मदद करती थी और मुझे काफी देर तक मैं सोती रहती हूँ उससे यू नो लाइक आई वुड गेट गुड नाइट स्लीप तो मैंने जो है काफी अर्से से अब मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मुझे बड़ी खांसी वगैरह हो रही थी मैं आपको पता है मैं सिगरेट भी बंद करना चाह रही हूँ तो मैंने बंद कर दिए दो हफ्ते हो गए मगर उससे ये हुआ है कि मेरी नींद इतनी खराब हो गई है और मैं रात को वाकई में सही से सो नहीं सकी हूँ ऑलमोस्ट दो हफ्ते हो गए आम, किसी किसी रात सो जाती हूँ कभी नहीं सोती हूं। तो कल रात मेरे साथ यही हुआ कि मैं मुझे नींद नहीं आ रही थी मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं सो जाऊं सो जाऊं बहुत मुश्किल से मेरी आंख थोड़ी देर के लिए लगी फिर उठ गई यू you नो know, तो आंख लगती है फिर थोड़ी देर बाद उठ जाती हूँ अब जागेंगे तो क्या करेंगे बैठ के काम तो थोड़ा बहुत हो जाता है काम वगैरह कितना मैं एडिटिंग वगैरह करूंगी तो आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब पे ही थी देख रही थी लोगों को तो आई केम अक्रॉस मैं आपको दिखाती हूँ ये एक साहेब है इनकी जो है ब्रॉडकास्ट मेरे सामने आई ये बैठे हुए थे उस वक्त क्या कहते हैं लाइव बैठे हुए थे ये राइट और मैं इनकी बातें सुनना शुरू हो गई थोड़ी सी <coughs> अब क्या बातें वहां पे चल रही थी वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ खैर अगर आपने इनका चैनल नहीं देखा है तो कैसे नहीं देखा है मीन लाइक दिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा शेयर करना मत भूलिएगा एंड um, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सुपर चैट्स के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं आप पेपाल आप के थ्रू सपोर्ट um, कर सकते हैं एंड uh, आप मेरे ओनली के मेंबर भी बन सकते हैं ठीक है तो अच्छा मैं आपको शेयर करके दिखा रही हूँ तो मुझे पता नहीं, पता नहीं नहीं कौन से मौलवी साहब ये ये राइट तो कल इनकी ये लाइव है ये जाके जरूर देखिएगा इनको मेरी तरफ से काफी व्यूज मिल जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे इनको रिकमेंड कर रही हूँ सो so, इनकी मैं लाइव स्ट्रीम सुन रही थी तो जब मैं एंटर हुई हूँ तो उस वक्त बातें चल रही थी ओरल सेक्स पे ये सुन के तो मेरे कानों में सो वैसे ही धुआं निकलना शुरू हो गया क्या हो रहा है? ऐसे इस्लामी चैनल पे ओरल बातें क्यों हो रही हैं और ये जो हमारे मौलवी साहब हैं जिनकी मैंने आपको तस्वीर दिखाई है ये साहब जो है ये वहां पे बैठ के ओरल सेक्स पे बातें कर रहे थे और Honestly, ऐसी बातें वहां हो रही थी जैसी बातें मेरी ओनली फैंस पे भी नहीं होती। ये तो समझते हैं ओपनली है है है। मैं, मैं जैसी ये बातें कर रहे होते मालीच को भी कभी कभार शर्म आ जाती है सो so, um, जी अमन जी मैं ही थी वहां पर मैं ही गई थी वहां पे कोई वॉर नहीं गया था मेरी फेक आईडी मैं ही थी अम्मिक्शन um, uh, बुरी बात है आर्यन सिंह एडिक्शन Uh, अगर आप गांजा की बात कर रहे हो तो गांजा इज नॉट टू बी ऑनेस्ट मैं उसको पीती रही हूँ छोड़ती रही हूँ छोड़ देती हूँ इट्स नॉट लाइक कोकीन या हेरोइन की तरह नहीं है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हो और अनोन जी यहाँ कह रहे हैं डोंट टेक एनी ड्रग्स तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरुआना यहाँ पर मेरुआना की ब्राउनीज आती हैं मेरुआना यहाँ पर कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है आर्थराइटिस के पेशेंट पेशेंट्स को दिया जाता है बहुत सारे मरीजों को दिया जाता है एज अ मेडिसिन तो आप उसको ड्रग समझ रहे हो तो आपकी जो ड्रग्स आती हैं दूसरी कॉफ मेडिसिन आ गई या आप जब जाते हो हॉस्पिटल में और आपको पेन के लिए मोरफिन लगाई जाती है तो उसमें भी हीरोइन होती है तो बहुत सारी ड्रग्स जो आप ले रहे होते हैं ना उसमें ऑलरेडी ड्रग्स होती हैं दैट्स वाई दे रेकॉल ड्रग्स राइट हाँ सो अः इनका नाम क्या है इनका नाम है मुफ्ती मुबशिर जी जी मुला मुनाफि हाँ तो मैं जब इनके चैनल पे वहां गई ना तो ये बात कर रहे थे अम्म um, मोहम्मद इंजीनियर क्या नाम है इंजीनियर

सकिंग uh, और पता नहीं क्या क्या सकिंग और पता नहीं क्या क्या चूसने की बातें हो रही थी कि मेरे भी कानों से धुआं निकल रहा था तो अगर आपको जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा थैंक यू जितेंद्र तो uh, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरी लास्ट स्ट्रीम अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज वो स्ट्रीम जरूर देखना वो स्ट्रीम आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने चंद ऐसी चीजें दिखाई हैं और वो मैं कट करके अलग से लगवा लगाऊंगी वो वीडियो जस भी खास एक से, अच्छा तो <coughs> मौलवी साहब के पिक्चर्स पे व्यूज ले रही हो हाँ नहीं बस हमको हम मौलवी साहब की तस्वीरें लगा के व्यूज लेते हैं और आपके मौलवी साहब और चूसने की बातें करके व्यूज घेर रहे वाह क्या आलिशान है पाक लोग अच्छा तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि हाँ इससे पहले हम आगे बढ़े नहीं मैं इनको दिखा देती हूँ आए हैं ना यहाँ पर व्यूज इकट्ठे करने के लिए तो मैं आपको दिखाती हूँ हम तो ऐसे मौलवी साहब आपकी तस्वीरें लगा के व्यूज इकट्ठे कर रहे हैं और मौलवी साहब कैसे इकट्ठे कर रहे हैं इस्लामिक चैनल्स कैसे इकट्ठे कर रहे हैं व्यूज वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ और मैंने ये अपनी लास्ट स्ट्रीम अगर आप देखोगे फ्राइडे की स्ट्रीम है उसमें आपको दिख जाएगा कि मौलवी साहब लोग जो, जो कैसे व्यूज इकट्ठे कर रहे हैं अब आप देख लो मेरे साथ ठीक है ना और अगर थोड़ा सा भी शर्म हो ना आपके अंदर तो चुल्लू भर पानी लेना और उसके अंदर डूब मरना ठीक है मुझसे ये बोलने से पहले ठीक है नहीं होगी मगर आपके अंदर शर्म तो है नहीं वरना ऐसी बातें क्यों कर हो ये देखिए तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं जब चाहो आ जाओ ये सहारा और इस्लाम ऑनलाइन ये मैंने आपको दिखाए थे लास्ट टाइम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ये जो ये देखिए लड़की कब लन हाथ में पकड़कर खुदी में लेती है वाह तो इस तरीके के थंबनेल्स लगा कर और इस तरीके की टाइटल्स डाल डाल के बीवी से डैश की मालिश करवाने का फायदा तो ये सारे ये बहुत सारे वो हैं थमने स्क्रीन शॉट हैं जो मैंने लास्ट अपनी स्ट्रीम पे दिखाए थे सब लोगों को तो प्लीज आप वो जाके पहले देखिएगा ओके मुझसे वह कहने से पहले है कि मैं किस चीज पे व्यूज इकट्ठी कर रही हूं तो मुझको पता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी आधी क्लीवेज दिखाकर से ना तो सबसे ज्यादा देसी यहीं बैठे हुए होंगे फिर व्यूअरशिप कितनी बढ़ती है समझ में आई ना तो मुझसे ये बातें मत किया करू मैं तुम लोगों लोग पेंटिंग खोल के ना तुम लोगों का दो दो इंच का जो एक इंच का रह गया ना खत्ने करवाने के बाद वो सबके सामने दिख जाएगा सो अच्छा सो कल यही हुआ कल यही हुआ कि मैं वहां गई तो मौलवी साहब बातें कर रहे थे कि आ, इतनी गंदी बातें करते हैं इंजीनियर अली मिर्जा और यूं और कादियानी यूं तो ये ये वाला फिर यूं तो वो यू यू यूं तो यूं यूं यूं, यूं बकवास कर रहे थे तो मैं गई वहां पर मैंने कहा मौलवी साहब मुझे और मैंने सलाम किया उनको जाकर मैंने बड़ी तमीज से बात की उनसे मैंने कहा मौलवी साहब आप यहाँ पर दूसरों की बातें तो कर रहे हैं मगर जो आपके फिरके वाले हैं जो आपके फिरके के लोग हैं पता नहीं कौन सा फिरका है इनका तो मुझे पता भी नहीं कितने फिरके हैं इन लोगों के सो so, मैंने उनसे पूछा मैंने कहा जो वो लोग तो लगा के घूम रहे हैं और वो और मैंने शेयर की ये चीज उनसे ये सुबह मेरे पांच बज रहे थे या पांच साढ़े पांच <laughs> तो मैंने उनको वो दिखाई तो उन्होंने एक दो दिखाने के बाद मुझसे बात ही नहीं की बात ही नहीं की मौलवी साहब ने नीचे बैठा दिया मेरे को हमसे ना हमारी बातें करो मैंने जो लगाया है ना नहीं क्या किया, ए, मैंने जो लगाया है ना हमसे वो बात करें बीबी -बी, बी -बी किसी और की है उनसे जाके पूछे जाहिल पता नहीं कौन से गांव का ये जाहिल मौलवी है जिसको बिठा दिया है वहां पर वो बैठ के बातें करे और ये हैं देखिए फुर्कान जी इनके इस्लाम में कुरान में ये सिखाया जाता है छोपा लगाओ रंडीबाजी बच्चाबाजी सेक्स सेक्सलेस लोनिया रखना ये फुरकान भुट्टा जो है ये जो है ना ये ये सीख कर आ रहे हैं क्योंकि इनके मदरसों में जब ये जाते हैं ना कुरान पढ़ने तो सबसे पहले मौलवी साहब कहते हैं बेटा बिस्मिल्लाह करो वहा खुशी खुशी से पहले ये करते हैं फिर कहते हैं बेटा टर्न अराउंड अब पीछे से अरे बड़े मजे से लेते हैं बड़े मजे से लेते हैं ये फुरकान भुट्टो जी देखिए ना शक्ल तो गांडू लग रहे हैं ये तो है तू गडू um, हाँ भाई मैं आपकी मम्मी नहीं हूं मेरी शक्ल में आपको पता नहीं आप लोगों की माए मेरी शक्ल से क्यों मिलती है सो so, कल जब मैं इनकी बात चैनल पे गई तो ये मुला बुढ़ा जिसका सिर्फ ये पीछे शक्ल दिखाता नहीं है और अपनी उस पर इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा होता है और मैं गारंटी कहती हूँ टू हंड्रेड परसेंट जो गंदी गंदी बातें कर रहा होता है ना पीछे बैठ के हिला भी रहा होता है बैठ

मैं रहती थी, थी ना डाउनटाउन में तो हमारी बिल्डिंग के पीछे एक मेंटल वो हॉस्पिटल था जहाँ पे मेंटली लोगों को रखा जाए और अक्सर हम वहाँ पे चलते रहते ना तो पागल लोग ऐसे ही घूम रहे होते थे इसी तरह से खयाम जी को भी ऐसी खुला छोड़ दिया है अब वो पागलों की तरह अपना सर कभी इधर मारते हैं तो कभी उधर मारते हैं तो कभी उधर मारते हैं सो हाँ तो मुला मुनाफिक जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई उस बंदे के अंदर उसके टटो में हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी बात का जवाब देता मुझे उसने सिर्फ नीचे बिठा दिया क्यों के क्यों जवाब देंगे भाई हम पे बात हुई हम किसी के बारे में भी बोले ले कहते हैं कि मुझसे मेरी बात करो ओ भाई के लोड़े तू बैठ के सारा दिन वहां का को तो मिर्जा इंजीनियर मिर्जा को बकवास करता रहेगा तू अपने ग्रेबान के अंदर नहीं है तू अपने ग्रेबान को छोड़ तू अपनी शरवाल के अंदर देख ना कि तेरा दो इंच का कैसे नाचरा होता है हर वक्त नहीं उसको ये नहीं देखना होता मुझे नीचे बैठा दिया क्योंकि जवाब नहीं देना आता चाहिए चूसने चूसने की बातें हो रही थी पूरा कहा क्या डालना है किस होल में डालना है वो बातें हो रही थी तो वो ठीक था उस वक्त औरतें इनको याद नहीं आ रही थी औरतें भी बैठी है वहां पे नीचे औरतें खुद कह रही है मुझसे ये चीजें ये बात हो रही थी वहां पर और जैसी मैं पहुंची हूँ वहां पे उनको शर्म आ गई फिर मुझसे बार बार कह रहे हैं नीचे लोग आपको तो सिस्टर कह के बुलाया ओ भाई मुझे नहीं बनना तुम लोगों की बहन तुम लोग इतने गंदे हो तुम लोगों का तो ये मोटो है कि शादी से पहले सारी बहने सब हमारी बहनें होती हैं और वही बहन से शादी करने के बाद डिंग कर रहे होते हो तुम लोग तो मुझे नहीं बनना किसी की बहन थ्रू करती हूँ अः शक्ल एक है उसकी टटे ऐसी तो शक्ल है उसकी अः मुझे उसकी बहन बनना भी नहीं है इतनी खूबसूरत किसी की बहन होगी ना 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 नो थैंक यू मुझे नहीं बनना आपकी बहन आप अपनी बीवी को बनाओ अपनी बहन ठीक है ना तुम लोग अपनी बहनों के ऊपर तो चढ़े जाते हो घर में अपनी बच्चियों के ऊपर चढ़ रहे हो और फिर आगे मुझको यहाँ बकवास कर रहे हो तो अभी एक बंदा पकड़ा गया है आ, पाकिस्तान में मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी उस दिन अपनी बेटी के ऊपर चढ़ा हुआ था अपनी बेटी के ऊपर चढ़ा हुआ था और एक और मुला जी है जिनको मैंने पकड़ा है रंगे हाथों और वो मुल्ला जी को मैं एक्सपोज करना चाहती हूँ मुझे लगता है कि फेसबुक ने उनकी आईडी ब्लॉक कर दी है और करनी भी चाहिए थी क्योंकि जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी और जिस तरह की तस्वीरें वो भेज रहे थे ना मुला जी इतनी बड़ी दाढ़ी रख के जितने हर्रामी होते हैं ना जितना फ्रस्ट्रेटेड हर्रामी बंदा होगा ना उतनी लंबी उसकी दाढ़ी होगी दाढ़ी उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हमारी दाढ़ी है तो हमें जो है ना हम सब कुछ कर सकते हैं हम किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं क्योंकि दाढ़ी सर्टिफिकेट हो जाती है ना उनके पास उनके लिए ये ये वैक्सीनेशन पासपोर्ट होते हैं ना तो मुसलमानों के पास ना ये दाढ़ी का पासपोर्ट है कि हमारे पास दाढ़ी है तो हम तो बड़े नेक ही होंगे जितनी बड़ी दाढ़ी उतना बड़ा हरामी होगा और ये मुला जी जो मुनाफिक वहां बैठा है ना ये तो उससे भी बड़ा हरामी है आगे सुने क्या कहते हैं ठीक है सिस्टर सिस्टर बाद में कहते हैं देखा आपने ये आके मुझे सलाम कर रही थी ओ भाई के लोड़े तो जो तो मैं सलाम ना करूं मगर मैं फिर भी मुझे तमीज सिखाई है मेरे माँ बाप ने हम रिस्पेक्ट करते हैं कि किसी किसी की भी किसी को अदाब करते हैं तो करते हैं नमस्ते है, हमको पता है कि किस तरीके से हेलो बोलना चाहिए वरना तुम जैसे गंडू तो मैं मुंह भी ना लगाऊँ समझ में आई ना समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी गांड का है तो तुम्हारी शक्ल है जहां से बोलते हो वहीं से ऐसा लगता है गोबर आ रहा है बाहर तुम्हारे मुंह से कहते हैं मैं इनको सलाम इन्होंने मुझे किया ना तो मैंने तो वालेकुम बोला तेरे वाले को सलाम करने से मैं पे क्यों सलामती भेजू तेरे सलामती भेजने से क्या होगा तू ने बड़ी सलामती भेज देनी है मैं तेरे सलामती से मेरा घर चल जाना है ना तेरी सलामती से मेरे क्या लन पे चढ़ तेरी सलामी बहन चो पता नहीं कहाँ से आते सॉरी भाई चल सॉरी 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 तो आ, कटी हुई मुझे वाला <laughs> सनातन जी कह रहे हैं माली जी खूबसूरती का ये मतलब नहीं है आप ज्यादा ओपन होकर बात करें थोड़ा सा तो कंट्रोल कीजिए नहीं क्यों सनातन नो क्यों हम क्यों कंट्रोल करें अरे तुम लोग आके यहाँ पे मुझे कह रहे हो मैं ये सनातनी जी अभी आपके ऊपर भी मैं आ रही हूँ आपके भी आजाद ग्राउंड की मुझे रिपोर्ट आई अभी बैठिए आप लाइन में बैठिए आपकी बारी आने वाली है ठीक है ना और मैं ऐसी ही बात करती हूँ क्योंकि बहुत हो गई तमीज से बात आप लोगों से आप लोगों की समझ तमीज से नहीं आती है आप लोगों को ऐसी ही लैंग्वेज आती है पहले जाके वो मुल्ला जी जो इस्लामिक चैनल चला है ना उससे जाके बोलो कि इससे बात करे उससे बोलो कि पॉइंट आप हाँ मत खोल के बैठ वहां पर मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि मैं पता नहीं कौन सी पॉइंट वेबसाइट पे पहुंच गई वहां पे ऐसी ओपन सेक्सुअल बातें चल रही थी बड़े खुले दिमाग हो गए भाई मुसलमानों के मेरे को तो नहीं पता था और मैंने आपको भी जो दिखाई हैं प्लीज जाके वो देख लीजिएगा

उसी वक्त जब मैं पहुंची हूँ मैं गारंटी बताती हूँ उसके दस निकल गए थे और उसमें भी खून आया होगा उसको फट गई थी उसके हाथ में आ गई थी इसी वजह से उसने बात नहीं की ये लोग बात नहीं करते हैं ये लोग सिर्फ वहां बैठे व्यूज के लिए ये बैठे व्यूज घेरने के लिए गंदी गंदी बातें करेंगे और इनको पता है हमारी आवाम है ठरकी एक नंबर की अवाम फ्रस्ट्रेटेड है एक नंबर की वो इन्हीं बातों में ही हिला के फारे हो जाती है तो वो इसी वजह से वहां बैठते हैं गंदी गंदी थमने लगाते हैं और वो व्यूज घेरते हैं इस्लाम से उनका दूर दूर तक कोई जो है ना ताल्लुक नहीं है फिर कोई एक और बंदा आया तो उसने क्योंकि ये हमेशा फिरकाबाजी करता रहता है ना वो काफिर वो कफर वो काफिर वो काफिर ये काफिर वो काफिर भाई का लोड़ा सारा दिन काफिरों के यूट्यूब पे बैठ के काफिरों का इंटरनेट यूज करता है काफिरों का कंप्यूटर यूज करता है तो काफिरों का फोन यूज करता है भाई का लोड़ा काफिरों की शिट भी खा लेगा ये अगर इसको खानी पड़े हाँ और बैठ के वहां पे वही पे, पे काफिरों काफी बकवास कर रहा होता है ये तो क्या एक बंदे ने आगे कहा कि भाई जो भी कलमा पढ़े वो मुसलमान है वो मुसलमान है उनसे प्यार करना चाहिए तो कहता है नहीं ये लिखा है प्यार करना चाहिए नहीं ये तो कहीं नहीं लिखा हम तो नफरत करेंगे ये उससे खुद बोला है जाके देख लो तो ऐसे लोगों का यूट्यूब चैनल चले गए ऐसे राय चौधरी नफरतें बढ़ा रहे हैं लाइक ऑफ इट इज दिस और वहां एक और बैठ जाते हैं जाहिलों को इन लोगों को लाइक एक जमात इन लोगों ने पास नहीं किया अब इनके हाथ में बंदर के हाथ में नारियल लग गया है वो अपना ही सर फोड़ लेंगे और वो वही हो रहा है अपना ही सर फोड़ रहे हैं ये लोग कुत्ते कुत्ते के के बच्चे बच्चे नहीं नहीं I'm sorry, I'm sorry, sorry, नहीं आई 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 एम 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 सॉरी 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 है इनको तो जानवरों से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुत्ता भी वफादार होता है तो एक सुअर भी वफादार होता है इनसे और सुअर इनसे ज्यादा साफ होता है फिर एक बंदे आए वहां पे लॉजिक लेकर अपनी ओरल सेक्स क्यों नहीं करना चाहिए लॉजिक ये लॉजिक कहां से लाते हैं ये लोग वहां जाते हैं मौलवी साहब के पास और कहते हैं मौलवी साहब जरा अंदर ना कुछ फंस गया है मौलवी साहब निकल नहीं रहा है मेरे को कबज हो गया मैं क्या करूं तो मौलवी साहब कहते बेटा इधर आओ इधर आओ बेटा मैं निकाल दिखाता हूँ आपको तो मौलवी साहब यूं बुलाते हैं और अपना हाथ जो है ना पूरा अंदर दे देते हैं फिर वहां से वो खींच के लॉजिक लेकर आते हैं वो भी सांडे के तेल के बगैर यहां से आती है इनकी लॉजिक वो बंदा कहता है अच्छा ये अब याद रखिए ये रहते हैं पाकिस्तान में किसी गांव में ऐसा मुल्क जहां पे जिस दीवार पे लिखा होता है ना यहाँ पेशाब करना मना है वहीं सबसे ज्यादा लोग जाके पेशाब करते हैं जहां बोलते हैं ना कचरा फेंकना मना है वहीं कचरे की पहाड़ी बनी हुई होती है जहां लिखा होता है ना पान की पीप ना फेंको बिल्डिंग्स वगैरह में वहीं सबसे ज्यादा पान की पीप आपको मिलेगी ये इतने साफ सफाई वाले लोग याद रख लीजिए कितनी सफाई वाली कौम है, है पाक कहते हैं कि ये ना जरासीम और बीमारियां बहुत हो जाती हैं सीरियसली ना मेरा मैं अपने आप को ही सर्वे में फोड़ दू अपना इनका दिमाग तो भाई के लोड़ो आप लोगों की लॉजिक के मुताबिक तो जो 60 जो मुल्क पूरी दुनिया में लोग बैठे हैं काफिर कुफर कफर, कफर कफर वाले वो लोग जो ओरल सेक्स है, उनको तो मर जाना चाहिए था उनको तो मर जाना चाहिए था ना आपकी लॉजिक के क्योंकि वो लोग तो सब करते हैं ओरल सेक्स और मैं आपको एक बात बता दू आपको एक बात बता दू मैं कि आप लोगों के पाकिस्तान में आप किस दुनिया में रह रहे हो सबसे ओरल सेक्स हो रहा है अभी वो भूल गए आपके लास्ट ईयर जो एक मौलवी साहब आए थे जो सामने यहाँ कुरान रखा था मौलवी साहब ने इस तरह से मैं दिखाती आपको मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे क्या नाम था उनका अल्लाह उनकी शान में बरकत करे यूं कुरान रख के नीचे बच्चा जो है बंदा ओरल परफॉर्म कर रहा था उनपे उनको कौन कौन से डिजीजेस हो गए मुझे बताइएगा जरा उन्हें कौन कौन से डिजीजेस हो गए आपको लग रहा है पाकिस्तान में ओरल सेक्स नहीं हो रहा ये मौलवी जो खुद वहां बैठा है ना ये खुद अपना लंच उठवाता होगा अपनी बीवी से जबरदस्ती वो भी दो इंच का नहीं सॉरी एक इंच बीवी भी कहती होगी यार कहा फंस गई मैं आई I मीन mean, मुल्ला जी आप मुल्ला जी आप प्लीज कोई पिल्स खा ले मुला जी आप कुछ आप कुछ करवा ले मुला जी इससे मेरा क्या होगा मैं इसको क्या करूं सो so, अजीज रहमान जितेंद्र आपको सारे नाम याद है अजीज और रहमान साहब अगर आपने उस पर वीडियो नहीं देखी तो वो भी मेरे आपको इसमें मिल जाएगी माली सरकारी अजीज रहमान लिखिएगा मौलवियों की चित्रोल तो वो पड़ जाएगी मुझे बड़ा मजा आता है इन मौलवियों की गंडो ना इनके मुंह पे डालने में जी सो अम्म अच्छा सो so, इनकी लॉजिक ये थी कि लोगों को जरासीम की वजह से डिजीज हो जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई किसी को डिजीज नहीं हो रहा पाकिस्तान में तो कोई मर ही नहीं रहा किसी को कैंसर ही नहीं है किसी को कोई कोई बीमारी नहीं लग रही है पाकिस्तान में सब हेल्दी भर रहे हैं भैया दो दो साल तक जी रहे हैं ना पाकिस्तान इतना साफ मुल्क इतना साफ मुल्क जहां लोग पसीने में पर, जरा बस में चढ़ जाओ वहां पे पाकिस्तान में ना तुमको उल्टियां आनी शुरू हो जाए ना इतनी गंदी पसीने की बदबू आ रही होती है और वही वैसे ही जाके औरत में चढ़ जाते हैं हाँ तो आई थिंक कि पाकिस्तान में लोगों को ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग तो महीने महीने नहीं नहाते भाई पानी की वैसे ही किल्लत है कहां से नहाएंगे पानी आता ही नहीं है इनके पास इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं है तो करें तो क्या करें हाँ तो आप लोगों को वाकई में नहीं, नहीं करना चाहिए ओरल सेक्स क्योंकि आप लोग वाकई में डिजीज करोगे काफी हो गए मुल्क में पानी बहुत आता है काफिर आप लोगों से ज्यादा साफ है इनकी सड़कें ना ज्यादा साफ है अभी मरी का इंसिडेंट हुआ है अभी मरी का इंसिडेंट हुआ है वहां पे कितने लोग मर गए मैं जहाँ रहती हूँ ये बाहर दिखाऊ यहाँ पे दो तीन दिन से इतनी बर्फबारी पड़ती है इतनी बर्फ पड़ती है मेरे जो यानी पीछे अगर आप जाओ तो इतनी बर्फ पड़ी हुई है पीछे यू कैन इवन गो इन द बैकयर्ड मगर क्या होता है यहाँ पे काफिरों के मुल्क में वो आते हैं और वो साफ करके जाते हैं वहां कहाँ थी सारी सिस्टम कहाँ था आपके मुस्लिम ममालिक में फिर आके यहाँ पे कंपेयर करो तो काफिरों से और भाई के लोड़ो थोड़ी तो शर्म कर लो थोड़ी तो शर्म कर लो अपने इस्लाम की अपने इस्लाम की ही रख लो कुरान की रख लो अगर काफिरों से इतनी नफरत है तो सबसे पहले तुम लोग इंटरनेट से हटो यहूदियों का यूट्यूब बंद कर दो यूज करना पता नहीं कौन से कहां पे बैठे होते हैं ये लोग सबसे पहले उनका यूट्यूब यूज करना बंद करो इंटरनेट बंद करो मैं तो कहती हूँ ये काफिर काफिर जितना बोलते हैं ना सारे काफिर मुल्कों को इनको बाइकआउट कर देना चाहिए भूखे मार मार देना चाहिए इनको वापस भेज दो इनके गारोहों में ताकि गारों में बैठे और खच्चर पे ट्रेवल करें इनकी औकात यही है इन मौलवियों की इनकी औकात यही है, में, में तो है, है हसन शाह आपके मौलवी ने जो हरकत की है ना उससे ज्यादा तो मैं कोई चीप हरकत नहीं कर रही कुरान यहां रखा है बेटा आ जाओ चूसने का टाइम आ गया आ जाओ बेटा आ जाओ कुरान जा। हाइड कर रहा है कोई बात नहीं पदर से भी हम यही करते हैं या गया एक और एक और मौलवी से ठुकवा के आए हाँ यहाँ पर वहां पर ठुकवा के आ रहे होते हैं बगैर तेल लगा के और यहाँ पर आके मुझे शर्म दिखा रहे होते हैं चल नहीं, नहीं यहाँ से जाओ अपने मौलवी के पास जाओ दर, दर्द हो रहा है तो सो so, um, अगर आपको दर्द हो रहा है गाइस तो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है एक्चुअली आई विल टेल यू अबाउट इट बिट तो मुझसे आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा बेबी आपका पेन जो है ना वो दूर हो जाएगा ओके okay? नेक्स्ट टाइम जब करवाए ना तो मैं आपको तेल रेकमेंड करूंगी वो लगा के करवा देना मौलवी साहब को और मौलवी साहब को भी ना रॉ डॉगिंग ज्यादा पसंद है उनको ये नहीं होता कि कुछ कंडम 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 चला ले क्या कंड़म? क्या पिछवाड़े से कौन सा बच्चा पैदा हो जाते वो भी बंदेगा है ना तो क्या करें तो ये है आपके मुल्ला मुनाफिक जी जो अपनी ठुकवाते हैं जो बैठ के वहां पर अपना हिला रहे होते हैं और ऐसी बातें कर रहे होते हैं बैठ के लाना तुम लोगों की शक्लों पे लाना तुम लोगों की शक्लों पे फिर तुम लोग काफिरों पे बात करते हो अरे चलो निकलो यहाँ से पागल तुम्हें कहाँ से आते